लगे रहते तो मुझे था कि असली दादी कहीं ये ना हो कि सेकंड एपिसोड तक आते आते मतलब जो भी है, तो हम लोगों को एक ही दिमाग में नाम आया अली भाई का, क्योंकि अली भाई ने इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स किए हैं कि लोग जब इनको बिना सामान के देखते तो पहचान नहीं पाते। मतलब जब कल ही मैंने न्यूज में देखा कि चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की, वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक एक की उनका ये हाल है, ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली, मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊं, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। यस, बताओ पानीपत में कितनी लड़ाई हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा। हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स, अरे बड़ी हुई उसके बाद तो, उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई, उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई, मैंने तुम बताता नहीं हूँ अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई है। बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद है। आई लाइक वैम्प्स। वैम्प्स? या, एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती है। हीरोइन तो बेचारी वही लगती है कि चपातियां बनाती हुएगी जाके अंदर आलू को भी उबालेगी, ये वैम्प जो होती है ये इनको लगती है, लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना वो बड़ी फ्रैंक होती है, बेसिकली अच्छी नेचर की होती है, ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगी झट से। दूसरी बात, इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं, आज इसको पता चलेगा, उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए, कभी हमेशा आंखें खुली रहती हैं, मैं तो यही सोचता रहता हूँ ये बता क्यों नहीं देती किसने क्या देखा है। आज के हमारे पहले अवार्ड की तरह, एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ आगे बढ़ते हैं, अकेली आगे बढ़ती जाओ तुम, साफ क्यों मिल रहा है फिर भी, मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागिनी तुम भी ना यार। हाय कपिल। हैं? हाय। पक्का यही था? भूल, मैं भूल, तुम लगता कुछ भूल रही हो, कुछ रागिनी या मेलोडिक समथिंग। लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है, मतलब क्या, मुझे तो सब कुछ याद है यार। तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा, थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो। तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है, प्लीज। तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना, कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे, तब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी, शी वॉज वेरी लो इन इंग्लिश, आई टोल्ड हर दैट यस्टरडे योर टेम्परेचर इज वेरी हाई, एंड शी सेड आई एम नॉर्मल, उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ, होता है कभी। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? नॉर्मली यू आर 98 एक्चुअली, बट यू मे बी गो बिहाइंड द 101 डिग्री एक्चुअली, मे बी फंक्शन खत्म होने तक यू विल बिकम यू नो लाइक अ पिज्जा ऑन, समबडी कैन मेक अ पिज्जा ऑन योर फॉरहेड, एंड यू आर जस्ट ब्यूटीफुल यार। तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, आपका अपना ही है, जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहां अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। भाई आशिका, आई लव यू सो मच भाई। क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा तो, और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। रियली? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं, बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं, गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा, अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना, हमें क्या बता रहा है, अजीब अजीब चीजें होंगी, और कुछ तो डरा भी देते हैं, कई कईयों को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देख लिए खौफनाक चेहरा, अरे भाई तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे नहीं। अच्छा, अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए अवार्ड फंक्शन में, अच्छा वाला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है ना सबके मुंह यूं हो जाते हैं, हमारी वाली भी अच्छी लग रही जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे, हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ही ऐसा था, ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे, मतलब जो भी है आप खुद समझदार है।
और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं, जैकी चैन साहब बड़े फैन है। उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। मल्लिका दीदी आई एम सो सॉरी, बट क्या करें, मार्केट में चली यही रहा है हमारा। वैसे मैं सोच रही हूँ, कुछ भूल रही हो तुम यार, मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो, तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा, पैदा होने से पहले मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ। Yes, Manish, you can understand my feeling, brother. मैंने रागनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पर ऐसे ही चल के आती है, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना। तुम लोग पहले थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे, मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी, कम ऑन गाइस, गिव इट अप फॉर कपिल। थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट। मैं क्यों करूँ भाई? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए, कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूँ, जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह रहे के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, पांचों ननद, रामू काका, माली, ड्राइवर, सब उसे डांटते ना देते, जब तक तब तक वो चुप रहती है। सोने लग रहे हैं, सोने में सोनी में और सोना हो गया। तो भाई कुछ कैश वैश ही इससे ले आते, मतलब ईद है, ईदी ईदी ले आते हमारे लिए। एक फिल्म ऑफर लाया हूं आपके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? Really? कितनी हीरोइन है टोटल उसमें? तीन आ रही। तीन तीन हीरोइन। एक तो आपकी होगी, एक मेरी होगी, तीसरी किसके लिए? तीनों ही मेरी हैं। मेरा मतलब बीच में क्या रोल है? विलेन का रोल है। चलो विलेन के लिए आइटम डांस तो एक आध होगा ही। है, लेकिन वो आप नहीं करोगे, किसी और से करोगे। नहीं, विलेन तो आप खुद करेगा भी नहीं, कोई लड़की करेगी ना आगे। लड़के से करवाएंगे, सारी एड्रेस या मिनी कुछ भाई प्लीज बना के। बी ह्यूमन, आप ऐसा करोगे हमारे साथ? मतलब आप क्या करते हो? मारा तो बजट कम होता है ना। सेम तो यहाँ पे चल रहा है, आदमियों को औरतों के कपड़े पहना पहना के औरत बना रहे। उनके बच्चे भी स्कूल में जाकर कहते हैं हमारी दो दो माए, एक घर पे एक इधर बनती है। आपको पता है सलमान भाई जब शर्ट उतारते हैं लड़कियां वैसे पागल हो जाती हैं। अच्छा इनकी बॉडी है, ये उतार भी सकते हैं। ये पांडे नहीं हमारा ड्रम वाला भाजी? अच्छा एक दिन इसने शर्ट उतारी, पता नहीं चला ड्रम कौन है पांडे कौन है। पर अच्छा इस फिल्म में तो भाई आपने पैंट भी मतलब उतारी दी, तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि फीमेल फैंस की? डिमांड तो स्क्रिप्ट की ही थी। अच्छा, और आई थिंक फीमेल फैंस से ज्यादा मेल फैंस इसको अप्रिशिएट ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा समझ में नहीं आ रहा। सलमान इज लुकिंग सुपर्ब इन अ लंगोट। भाई क्या लग रहा है लंगोट क्या? और आके तुम क्या हो गया गए तुमको यार? अच्छे भले तो थे भाई। उल्टा जमाना आ गया। सलमान भाई ने पिछले समय हमें बताया था कि एक बार इन्होंने फॉरेन कहीं शो करने गए तो ये शॉर्ट्स में एंट्री ले गए थे, तो सलीम साहब ने बहुत डांटा इनके पिताजी तो, ने तो वहां पर किसी ने कह दिया था कि मैं अंडरवेयर में डांस कर रहा हूँ। और ये जो स्टेप था ना, ये वाला ये जीने के चार दिन वाला, वही स्टेप था। अच्छा, तो वहां से पता नहीं किसने डैड को फोन करके बोल दिया वल्गर 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 वल्गर, तो बहुत भड़के थे। अब खुश है तो अभी पूरा लंगोट मतलब पहन के सारी फिल्म करी? अभी नहीं कुछ कहा उन्होंने? नहीं, बोला कि आप अपनी पैंट उतारो, देखो कि प्रोड्यूसर के पैंट कभी उतरे नहीं।
की बात है। कपिल तुम्हें पता है कि अब यहाँ कौन आने वाला है? मैं कब बेजान दारू वाला हूँ, मेरे को क्या पता सर कौन आने वाला? मैं बताता हूँ, अब जो यहाँ आ रही है वो आग लगा देंगी। फायर ब्रिगेड बुलाएं सर फिर? अरे ये लड़कियों की अदाओं की आग है, तुम नहीं समझोगे कपिल। इनके मस्त मस्त दो नैन दिल का ले गए चैन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फॉर द ब्यूटिफुल एंड स्टनिंग सोनाक्षी सिन्हा। मैं अपने दर्शकों से एक एक मसले का हल चाहता हूं। एक्चुअली जनता की तरफ से एक्चुअली सवाल आया है, हम लोग ये जानना चाहते हैं बिकॉज आज हम लोग विमेन शिमला मिर्च या मिर्च, शिमला मिर्च मतलब तीखी, लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्पाइसी बोला जाए, तीखा बोला जाए। लड़कों को क्या अच्छा लगता है? लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को लड़कियां देख ले उनके लिए सब कुछ अच्छा है। हम भगवान का प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं जो भी मिल जाए। देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है, मैंने कभी डैप नहीं करवाया, मैंने कोई आगे मेकअप क्या देखना किसी ने इतना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस इसलिए पहनती हैं अवार्ड शोज में, कभी पसीना है तो घाघरे में मुंह डाल के ना डैप कर लेती हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू दीपू, सॉरी रणवीर मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि किनके नखरे ज्यादा होते हैं? सी लड़कियां बहुत सिंपल सी होती हैं। हमने क्या जरी गोटे का काम करवाया हुआ अपनी बॉडी पे, हमने क्या गलत किया हुआ है? एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। कपिल भगवान के लिए ऊपर आ जाओ प्लीज। अरे आप गए नहीं अभी तक? नहीं बिल्कुल नहीं। ओके सो थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑल द स्टार्स। सर आपने हाल ही में माधवन को देखा है? हाँ पिछली बार देखा तो बड़ा ही क्यूट लग रहा था, वेरी क्यूट। क्यूट था सर, लेकिन इस फिल्म के लिए उसने इतने डॉले शॉले बना लिए ना कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आप देखते रह जाओगे। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड मिस्टर आर माधवन। सर थैंक यू सर। देखिए सर आ गया साला खड़ूस है। ये कैसे ये इंट्रोड्यूस करने का कोई अंदाज है कपिल? सर मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, उनकी फिल्म का नाम है जिसके लिए उन्होंने ये सारा लुक तैयार किया, इतनी मेहनत की है। वैसे एक बात बताओ माधवन, ऐसी बॉडी क्यों बनाई तुमने? करण यार मैं थक गया था विद ऑल द लेजी लिटिल फिल्म्स दैट आई वाज डूइंग, तो मैंने कहा यार एक कड़ाके की फिल्म करता हूँ। और इस फिल्म का नाम है साला खड़ूस, जहाँ पे मैं एक रिटायर्ड बॉक्सर का रोल कर रहा हूँ। तो इस फिल्म में मुझे एक लेडी बॉक्सर की तलाश है। सुना फिल्म में एक लेडी बॉक्सर है? सर देश में इतने लड़के हैं, आप किसी को बॉक्सिंग सिखा सकते थे, आपने लड़की क्यों चुनी सर? वो इसलिए क्योंकि हमारे जो देश में शूरवीर लड़कियां हैं उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो इस फिल्म में मैंने एक एक कमाल की लड़की को ढूंढा जो एक मच्छी वाली है। okay. मच्छी वाली होने के बावजूद शी सच अमेजिंग बॉक्सर, की ऐसा घूसा मारती है कि लोग याद रखते जाते हैं। क्या बात है।